डायमंड सोसाइटी में मंडे की सुबह 10 बजे गायत्री की 6 साल की बेटी सोनल अचानक से घर से गायब हो जाती है। उसके बाद डायमंड सोसाइटी में वेंसडे के दिन सुबह 10 बजे हरमनप्रीत की 7 साल की बेटी परमिल भी अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। फिर फ्राइडे को वापस वही होता है, ईशांत की 8 साल की बेटी अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। इतने बच्चे गायब हो रहे थे मतलब ये जरूर किडनैपिंग का केस है। केस सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। मेहुल बच्चों की किडनैपिंग का पैटर्न समझता है तो उसे समझ जाता है कि अगला बच्चा कौन किडनैप होने वाला है। सोसाइटी में 3 बच्चे और है, मनन का 9 साल का बेटा राघव, सुनीता की 9 साल की बेटी पंकी और पंकज की 11 साल की बेटी आरती। क्या आप बता सकते हैं तीनों में अगली किडनैपिंग किसकी होने वाली है? सोचिए, चाहिए तो वीडियो को रिपीट कीजिए लेकिन अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिए। पहली है गायत्री की 6 साल की बेटी, दूसरी है हरमनप्रीत की 7 साल की बेटी और तीसरी है ईशान की 8 साल की बेटी। मतलब सारी किडनैपिंग गर्ल्स की हो रही है। तो सुनीता और पंकज की लड़कियां हैं, लेकिन एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए, एज बढ़ रही है। पहले 6 साल, फिर 7 और फिर 8। मतलब अगली किडनैपिंग 9 साल की बेटी पंकी की होने वाली है। मेहुल तुरंत सुनीता के घर पहुंच जाता है। सुनीता घर पे नहीं रहती है। नौकर मेहुल को बताता है कि पंकी के स्कूल टीचर आए थे उसे पढ़ाने के लिए। यहाँ शोर था तो उसे पढ़ाने के लिए नीचे लेके गए हैं। मेहुल समझ जाता है ये टीचर फेक है। क्यों, मेहुल को ऐसा क्यों लगता है? अभी कोविड चल रहा है और क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन हो रही है और टीचर अकेले पंकी को पढ़ाने नहीं आ सकते। ये जरूर वो किडनैपर होगा। मेहुल सोसाइटी के गेट की सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। नौकर किडनैपर को पहचान लेता है, लेकिन किडनैपर आया भी खाली हाथ था और गया भी खाली हाथ है। मेहुल को समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। किडनैपर खाली हाथ आया और खाली हाथ गया। मेहुल सोचते सोचते अपने घर जा रहा होता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हो सकता है? सोचे और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तभी मेहुल को क्लिक होता है, किडनैपर जरूर बच्चों को किडनैप करके सोसाइटी में ही रख रहा है। क्या सोचा है मेहुल ने, इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी पलटाता है और सोसाइटी की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल देखता है कि सोसाइटी में टोटल 3 विंग्स हैं। मेहुल सिक्योरिटी गार्ड से बात करता है। सिक्योरिटी गार्ड मेहुल को बताता है, सर तीनों विंग के ऊपर के 2 फ्लोर्स खाली है और विंग बी और विंग सी के तो कैमरे भी खराब है और सर विंग बी की तो लिफ्ट भी खराब है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि बच्चों को किडनैपर ने कहाँ छुपा रखा होगा। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। विंग ए में कैमरा लगा हुआ है, आराम से किडनैपर के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ किडनैपर होगा नहीं। विंग बी की लिफ्ट खराब है। अब बिल्डिंग 7 से 8 फ्लोर की है तो ऑब्वियस किडनैपर स्टेयर से बच्चों को किडनैप करके लेके नहीं जाएगा। जरूर विंग सी की टॉप फ्लोर पे बच्चे हैं। मेहुल तुरंत दौड़ता हुआ विंग सी के टॉप फ्लोर पे पहुंच जाता है तो उसे वहां सारे बच्चे मिल जाते हैं। किडनैपर ने बच्चों के मुंह पे कपड़ा बांध रखा था। मेहुल सारे बच्चों को बचा के नीचे लेके आ जाता है। मेहुल फिर सिक्योरिटी गार्ड को किडनैपर की गेट वाली फुटेज दिखाता है तो गार्ड कहता है, सर इन सर को तो मैं बच्चा लेके जाते हुए देखा था लेकिन ये काफी बड़े सर है इसलिए कभी कुछ बोला नहीं। क्या तुम पुलिस में गवाही दे सकते हो? नहीं नहीं सर, वो बहुत बड़े आदमी है। मेहुल पुलिस को फोन करता है और एक गवर्नमेंट व्हीकल बुलाता है जिसमें बैठ के वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच सके। उन्हें लेने तुरंत कार पहुंच जाती है, लेकिन ये क्या, उन्हें लेने तो पुलिस की 3 कार आ गई है। क्या आप तीनों कार को देख के बता सकते हैं कौन सी कार मेहुल और गार्ड को लेनी चाहिए? ए बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली कार में तो पुलिस का सायरन ही नहीं है, मतलब ये कार पुलिस की हो नहीं सकती। दूसरी कार का नंबर प्लेट देखिए, 4321, ये कोई VIP गाड़ी लग रही है। और कार के नंबर प्लेट का कलर देखिए, येलो नंबर प्लेट है, मतलब ये टैक्सी वाली कार है। तीसरी कार ही असली है। मेहुल ये समझ जाता है और दोनों उस कार में जाके बैठ जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक बाइक और कार का एक्सीडेंट दिखता है। बाइक नीचे गिरी हुई है और उसमें एक बंदा फंसा हुआ है और वो पूरा खून में है। ये देखते हुए भी मेहुल ड्राइवर से कहता है, यहाँ रुको मत, सीधा आगे बढ़ो। क्यों, मेहुल ने ड्राइवर को ऐसा क्यों कहा? क्या आप इस एक्सीडेंट सीन को देख के बता सकते हैं? बाइक राइट में गिरी हुई है, मतलब जो राइट में आना चाहिए, लेकिन खून लेफ्ट से आ रहा है। और कार का ड्राइवर कहाँ है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक्सीडेंट हुआ है और बाइक और कार को कोई डैमेज नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। ये एक फेक एक्सीडेंट है हमें रोकने के लिए। वो लोग वहाँ से तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उनकी कार पंचर हो जाती है। ये पंचर जरूर करवाया गया है। तभी सामने से एक पुलिस की कार आती है और उसमें से एक पुलिस नीचे आता है और मेहुल से कहता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या मेहुल को इस पुलिस वाले से मदद लेनी चाहिए? क्या लगता है आपको? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। नहीं, ये असली पुलिस नहीं है। उसके शूज देखिए, स्पोर्ट शूज पहने हुए हैं। कभी कोई पुलिस वाला ड्यूटी पे स्पोर्ट शू नहीं पहनता है। नहीं, हमें कोई लिफ्ट नहीं चाहिए। और मेहुल और गार्ड वहां से तुरंत चलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। मेहुल और गार्ड तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनके सामने एक कार आके रुकती है। उसमें से एक आदमी उतरता है और कहता है, मिस्टर डिटेक्टिव, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा।
जल्दी से मेरे कार में बैठ जाए, मैं आपको पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ। थैंक यू, हमें हेल्प नहीं चाहिए। और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अब सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताएं, मेहुल ने उसकी हेल्प क्यों नहीं ली? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सर हमने हेल्प क्यों नहीं ली, जल्दी पहुंच जाते थे। उस आदमी को कैसे पता चला कि हमें हेल्प चाहिए और हमें पुलिस स्टेशन ही जाना है? वो आदमी भी उस बड़े आदमी से मिला हुआ है। दोनों दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और गार्ड उस बड़े आदमी के खिलाफ गवाही दे देता है। डिटेक्टिव मेहुल की बहादुरी ने एक और क्रिमिनल को पकड़वा दिया, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। मेहुल के सामने तीन रास्ते हैं, एक कोयले का, दूसरा कीलों का और तीसरा बर्फ की 9 किलो का। तीनों रास्ते बहुत खतरनाक है। मेहुल कहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे बहुत गहरे गड्ढे हैं, जहाँ अगर मेहुल गिरा तो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। तो सोचिए और मुझे बताइए, तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा मेहुल? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल अपने शूज उतारेगा और अपने पैर इन बर्फ के साइड में रख देगा, जिससे उसके पैर गीले हो जाएंगे और फिर वह कोयले वाले रास्तों से चल के उसे पार कर लेगा। जब मेहुल कोयले से चलेगा तो पानी वेपर्स बन जाएंगे और वेपर्स उसके पैर और कोयले के बीच में एक लेयर बना देंगे, जिससे उसे कोयले का इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।